आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे रेखा और कोण के बारे में कि रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक पड़ता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप लोग अच्छे से अगर समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग बस ध्यान से सुनते जाए और बाद में इसको एक बार और देख के फिर नोट करें। पहले एक बार समझ लें कि इसके कंसेप्ट क्या क्या चीजें हैं। वो ध्यान से समझना इस टॉपिक को, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है लेकिन इतना भी कठिन ना है कि समझ में ना। तो रेखाएं और कोण इस टॉपिक का अपना नाम है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं रेखा के बारे में कि रेखा क्या होती है। तो रेखा जैसे मान लीजिए एक है, रेखा बहुत सारे पॉइंटों यानी कि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है। इस रेखा के क्या होता है, दोनों साइड एरो लगा रहता है। मान लीजिए अगर ये ए है ये बी है तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, रेखा ए बी। इसके ऊपर ऐसा एक रेखा बना दी जाती है, मतलब दोनों तीर के निशान, दोनों तीर के निशान मतलब इस साइड भी अनंत तक जा रही है और इस साइड भी अनंत तक जा रही है। इसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड जो रेखा होती है ना, इसकी निश्चित लंबाई नहीं होती है, मतलब इधर भी अनंत तक जा रही है और इधर भी अनंत तक जा रही है। रेखाखंड में क्या होता है, एक निश्चित लंबाई होती है। जैसे मान लीजिए कि ये ए बी एक रेखाखंड है, ये ए बी क्या रेखाखंड है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये एक निश्चित है और ये क्या है, अनिश्चित। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए बी के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। ये हो गया रेखाखंड का निशान, ए बी ए रेखाखंड है। इसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको अपन बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण। किरण में क्या होता है कि एक पॉइंट तो निश्चित रहता है। मान लीजिए ये पॉइंट निश्चित है कि यहाँ पे आके खत्म हो गया, और ये वाला पॉइंट जो क्या है, अनिश्चित। मान लीजिए ए और बी नाम की एक किरण है तो इसको ऐसे दर्शाएंगे, ए बी ये और ये पॉइंट निश्चित है लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है, अनिश्चित है। रेखा हो गई, रेखाखंड हो गया और हमारा क्या हो गया, इसमें किरण हो गया। अब देखो एक पॉइंट आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है समझ लेते हैं। संरेख बिंदु का मतलब होता है कि अगर मैं कोई तीन पॉइंट लू, मान लीजिए अगर ये पॉइंट मैंने एक ए लिया, एक पॉइंट बी लिया और एक पॉइंट सी लिया, और यहां से अगर मैं एक सीधी रेखा खींच दू, तो अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट अगर एक ही रेखा पर रह जाए, मैंने यहां से क्या किया एक रेखा खींच दी और तीनों पॉइंट किस पे आ गए, तीनों पॉइंट अगर एक ही रेखा पे आ जाए, तीन या तीन से अधिक पॉइंट अगर एक ही रेखा पर हो जाए तो हमारे कहलाते हैं संरेख बिंदु। इसके बाद आता है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु जैसे मान लीजिए एक ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा। मान लीजिए एक मैंने सीधी रेखा खींच दी, क्या तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर आए, नहीं, बी पॉइंट अलग हो गया या सी पॉइंट अलग हो गया था, जो भी होता है, मतलब अगर तीन या तीन से अधिक पॉइंट अगर एक ही रेखा पर अगर ना आए तो हमारे वो कहलाएंगे असंरेख बिंदु। तो रेखा समझ में आ गया, रेखाखंड समझ में आ गया, किरण समझ में आ गया, संरेख बिंदु का मतलब समझ में आ गया और असंरेख बिंदु का मतलब समझ में आ गया। अब देखो कोण बनता कैसे, आप वो समझ लो। जैसे मान लीजिए एक रेखा ये है, एक किरण है, ये क्या है किरण, दूसरी किरण मैंने ये बना दी, ये एक पॉइंट है, एक किरण यहां से गई, इसी का ये बिंदु, मतलब ये वाला पॉइंट जो क्या है उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब इस रेखा इस किरण के लिए भी कॉमन है और इस किरण के लिए भी कॉमन है। तो इन दोनों के बीच में जो जगह बन रही है, ये जो गैप बन रहा है, यही क्या बन रहा है, कोण। तो इसको क्या बोलते हैं, कोण। यहाँ पे जो बन रहा है दो किरण के बीच में जो गैप बन रहा है उभयनिष्ठ बिंदु से, उसको क्या बोलते हैं, कोण। ये जो है ये हमारी इसकी क्या है, भुजा है। ये क्या है हमारी भुजा, और ये भी क्या है हमारी भुजा। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कोण कैसे बनेगा, दो किरण से मिलके क्या बनेगा, हमारा कोण बनेगा। अब कोण के कुछ टाइप होते हैं, मतलब 0 से 90 डिग्री को क्या कौन सा कोण बोलेंगे, 90 डिग्री वाले कोण को कौन सा बोलेंगे, 90 से अधिक के कोण को क्या बोलेंगे, 180 से अधिक के कोण को बोलेंगे, 360 से कम वाले कोण को क्या बोलेंगे, वो सारी चीजें अपन इसके बाद पढ़ते हैं। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए एक बार समझ के, फिर आगे पढ़ते हैं अपन लोग। अगले जो हमारे पास आ रहे हैं वो कोण के बारे में आ रहे हैं। 5 टाइप के कोण है, कोण के आधार, मतलब इन एंगल के आधार पर। न्यून कोण, न्यून कोण हम उसको बोलेंगे जिसकी माप 0 से तो क्या हो, अधिक हो। मान लीजिए x नाम का ये कोण बन रहा है तो इसकी माप क्या है, 0 से अधिक और 90 से कम, तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण। समकोण किसके बोलेंगे, जिसकी माप 90 डिग्री हो। ये समकोण का साइन होता है, ये जो अपन डब्बा बनाते हैं ऐसा, इसको बोलते हैं समकोण। एकदम परपेंडिकुलर यानी कि सीधी लंबवत रेखा पर ये बनता है, तो ये कितने अंश का बना, 90 डिग्री का। इसी प्रकार अधिक कोण क्या बोलेंगे, जिसकी माप 90 से अधिक हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो, वो क्या हो जाएगा, हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ऋजु कोण, जिसकी माप कितनी हो, 180 डिग्री हो, वो क्या होगा, ऋजु कोण। मतलब अगर कोई एक सीधी रेखा है, या अगर कोई एक सीधी रेखा है और ये रेखा
यहां से यहां तक पूरी घूम जाए, मतलब यहाँ इस रेखा से, मान लीजिए इस रेखा के इस पॉइंट से चालू है और उसी रेखा के दूसरे पॉइंट पे आके अगर बंद हो जाए, तो उस कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। उसको क्या बोलेंगे हम? ऋजु कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? अधिकतर यहाँ पे आप लोगों ने कोण बनते देखा होगा ऐसा, तो इसके बाहर का कोण, ये वाला कोण, कौन सा वाला? बाहर का कोण। बाहर का कोण क्या होगा हमारा? प्रतिवर्ती कोण। इसकी जो माप होगी वो 180 से तो अधिक होगी और 360 से क्या होगी? कम होगी। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए क्या बताऊं मैं, मान लीजिए इस कोण का मान 60 अंश है, जो अंदर जो है 60 अंश है, अंदर का कोण कितने अंश का है? मान लीजिए अपन ने बोल दिया 60 अंश का है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका अगर प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना होगा तो ये पूरा का पूरा अगर एक सर्कल बनता है तो 360 डिग्री का बनता है, लेकिन ये कितना बनता है? यहां से यहां तक गया, और इसमें ये, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों का योग कितना होगा? ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ दे तो 360 के बराबर हो जाएगा। अपने को ये कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण देके रखा है, तो 360 में 60 को माइनस कर देंगे तो ये टी कोण का मान कितना जाएगा? 300 अंश हो जाएगा। आया समझ में? जैसे ये पूरा का पूरा अगर मान लीजिए यहां से लेके यहां तक पूरा घूम जाता तो 360 डिग्री का कोण बनता, पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का कोण बनना था। लेकिन इतना कोण देके रखा है, इतना निकालना है, ये इसका मान 60 देके रखा है, तो ये 360 में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ कोण आ जाएगा, क्योंकि इसका और इसका योग किसके बराबर आना चाहिए? 360 अंश के बराबर आना चाहिए। इसके बाद एक हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान ले ये ए कोण है, ये बी कोण है, तो ए और बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर अगर 90 डिग्री आ जाए, कोण ए और कोण बी बराबर अगर 90 डिग्री आ जाए तो हम बोलेंगे कि क्या है वो? पूरक कोण है। जैसे मान लीजिए अगर तुमको यहाँ पे इसका मान दे दिया कि ये जो है वो 30 अंश का है, कितने अंश का है? 30 अंश का, तो इसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए, ए का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो इस 30 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, तो आप बोलोगे कि 60 जोड़ दो, या फिर यहाँ पे मान रख दो इसका मान देके रखा है तुमको 30 अंश, धन कोण बी बराबर 90, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश। घटाते आता होगा, 30 उधर जाएगा तो 90 में से 30 जाएगा, बचेगा कितना? 60 अंश। इसी प्रकार एक संपूरक कोण आता है। संपूरक कोण का मतलब कि ऐसे कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो हमारे वो कहलाएंगे संपूरक कोण। यहाँ पे बता देता हूं संपूरक कोण। संपूरक कोण जैसे मान लो ये कोई है, ठीक है, इस कोण का मान 60 अंश है, कितना है? 60 अंश, और इस कोण का अपने को क्या करना है? मान ज्ञात करना है। मान लीजिए ए नाम का कोण है, ये बी नाम का कोण है, संपूरक कोण को किसको बोलेंगे? अगर कोण ए और कोण बी का योग, कोण ए प्लस कोण बी का योग अगर 180 अंश आ जाए तो हमारा क्या कहलाएगा? वो संपूरक कोण। जैसे ए का संपूरक निकालना है, ए 60 देकर रखा, अगर इसका संपूरक पूछो तो 60 में क्या जोड़ेंगे? 180 जाए, बोलोगे 120, तो 120 क्या हो जाएगा? इस ए का संपूरक। मान लीजिए अगर बी कोण यहाँ पे तुमको 180 देके रखा होता, मतलब सॉरी 120 देके रखा होता और बोलता है कि कोण बी का संपूरक ज्ञात कीजिए, तो 120 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए? बोलोगे 60। तो 60 क्या हुआ? कोण बी का संपूरक। संपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 अंश, पूरक मतलब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर आ जाए या 90 डिग्री के बराबर आ जाए, समकोण को ही 90 डिग्री, तो दो कोणों का योग अगर एक समकोण के बराबर आ जाए या 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा? हमारा पूरक कोण। और अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो वो हमारा क्या होगा? संपूरक कोण होगा। ऋजु कोण की माप आपको लोगों को याद रखना है, ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है, प्रतिवर्ती कोण का जो मान होता है वो 180 से अधिक लेकिन 360 से कम, न्यून कोण 0 से तो बड़ा लेकिन 90 से छोटा, समकोण 90 के बराबर, अधिक कोण 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक वाक्य में या खालिस्तान में सही विकल्प सही जोड़ी कहीं पे भी आ सकते हैं, कि वो पूछ सकता है कि ऋजु कोण की माप क्या होती है, समकोण की माप क्या होती है, क्या प्रतिवर्ती कोण का मान 180 से अधिक और 360 से कम होता है, सत्य सत कहीं पे भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को ये सारी बातें याद होना चाहिए, तो इनको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसमें आगे पढ़ते हैं अपन। अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है, मतलब अगला जो कोण आता है वो आता है हमारे पास आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण के लिए तीन शर्त है,
पहला उभयनिष्ठ शीर्षो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। समझाता हूं इसका मतलब। उभयनिष्ठ का मतलब आप लोगों को पता है कि कॉमन होता है, कि उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन भुजा होती है। समझना, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यहां पे दो कोण बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, एक कोण में बनाता हूं कोण ए बी और डी, जिस भी कोण को लेना हो उसको कहां पे लेते हैं, बीच में, ए बी डी, कौन सा कोण लिया मैंने, ए बी डी, मतलब इस वाले पार्ट में लिया तो ये वाला कोण लिया मैंने, कौन सा वाला, ये वाला, बी वाला, ये वाला, ठीक ठीक है। इसके बाद अगला कोण मैं लेता हूं कोण डी बी और सी, एक कोण मैंने ये लिया, दूसरा कोण मैंने ये वाला लिया, एक लिया मैंने ए बी डी, दूसरा लिया मैंने डी बी सी, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था डी बी, मतलब सी बी डी, जो चाहता वो लिख लेता, जिस कोण को लेना है वो कहां पे आएगा, बीच में आएगा, इतना आप लोग ध्यान रखना। तो ये दोनों कोण आपस में आसन्न कोण कहलाएंगे, कब, जब क्या हो, इनका उभयनिष्ठ शीर्ष हो, मतलब देखो ये वाला कॉमन है, इसमें भी है और इस वाले में भी, मतलब इस वाले, इस वाला जो कोण है, ये वाला कोण, इसमें भी ये कॉमन है और ये वाला जो कोण बन रहा है इसमें भी ये क्या है, कॉमन है। तो कोण बी इसमें क्या हुआ, मतलब कोण भी नहीं, ये पॉइंट बी, यानी कि शीर्ष, कौन सा शीर्ष, बी वाला, क्या हुआ, उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, तो उभयनिष्ठ शीर्ष इसमें कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। एक उभयनिष्ठ भुजा हो, देखो ये कौन कौन सी भुजाओं से मिलकर कोण बना हो, अगर इस कोण की बात करूं मैं, ए बी डी की बात करूं, तो एक तो ये ए बी भुजा, एक ए बी भुजा, दूसरी भुजा कौन सी, बी और डी, ये ली बी और डी, ठीक है। डी बी सी की बात करूं, डी बी सी की बात करूं, तो एक तो भुजा तुम लोगों को कौन सी दिख रही है, एक भुजा तो ये बी डी दिख रही है, ये बी और डी दिख रही है, दूसरी भुजा ये बी और सी दिख रही है, ये लिया मैंने बी और सी। एक भुजा उभयनिष्ठ, दोनों के पास कौन सी वाली भुजा तुमको उभयनिष्ठ दिख रही है, दोनों के पास जो भुजा है वो दिख रही है बी और डी, ये लिख दिया मैंने बी और डी, इतना आया समझ में। आगे समझो, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, क्या ए और बी दोनों एक जैसी भुजाएं, नहीं, उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब ए बी और बी सी उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब ए बी और बी सी कॉमन नहीं है। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, बी डी, बी डी के विपरीत, यानी कि अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो देखो बी डी के अपोजिट साइड में एक ए बी है, इसके दूसरे अपोजिट साइड में क्या हो, बी सी, इतना समझ में आया। तो ये वही लिखा हुआ है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, वे भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, इतना समझ में आया आप लोगों को। एक बार और इसमें समझते हैं कौन सा आसन्न कोण होगा। समझो, एक कोण में लेता हूं कोण ए बी डी, दूसरा कोण मैंने लिया सी बी डी, अगर इसमें देखूं ए बी डी में, तो एक तो ये ए बी भुजा ली इसने, दूसरी भुजा बी डी ली है, ठीक है। सी बी डी की बात करूं, तो एक तो भुजा इसने बी सी ली है, दूसरी भुजा बी डी ली है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, हमारे आसन्न कोण हो गए, ठीक है। अब जो आसन्न कोण आए हैं, इनको अगर मैं जोड़ दूं, कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी आ गया डी बी सी, इस वाले कोण को और इस वाले कोण को जोड़ दिया, इन दोनों कोणों को जोड़ दिया, तो क्या ये वाला कोण नहीं आ गया, ये पूरा का पूरा कोण नहीं आ गया, इस ये वाला, ध्यान से देखो क्या ये वाला कोण आया या नहीं आया, आ गया, इस कोण को और इस कोण को जोड़ दिया, तो ये वाला कोण आ गया। तो ये वाला कोण है कौन सा, देखो ये भी है छोटा भी, ये भी एक छोटा भी है, इनको जोड़ दिया तो बड़ा वाला भी आ गया, कौन सा वाला, ए बी सी वाला, ए बी सी, देखो पूरा ए बी सी वाला, तो ये किसके बराबर होगा, कोण ए बी सी के बराबर, इतना ध्यान आ गया, इतना समझ में आया। इसी प्रकार इसमें अगर मैं जोड़ दूं ए बी डी को, ए बी डी को प्लस कोण सी बी डी को, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि इस कोण के बराबर आ जाएगा या नहीं आएगा, तो कोण ए बी सी के बराबर आ गया। इतना समझ में आया हो तो इतना लिख लो आप लोग, इसी के बाद इसमें और अपन अभी आगे बढ़ने वाले हैं, इतना समझ में आ गया तो इतना लिखो, फिर इसी में अपन आगे और बढ़ने वाले हैं, इसी को और मैं और समझाने वाला हूं, लिख लो पहले इसको दो मिनट।
दो मिनट का आप लोगों को टाइम देते हैं, लिख लो फटाफट। मैं साइड लड़ जाता हूं थोड़ा। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आसन्न कोण आप लोगों को समझ में आ गया कि किसको आसन्न कोण बोलते हैं, क्या होता है आसन्न कोण, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इसी में अब अगला पॉइंट आएगा, उनको अपन बोलेंगे रेखिक युग्म। वो समझ में आप लोगों को अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बस वही इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन अपने को यही होता है कि आसन्न कोण क्यों नहीं है, रेखिक युग्म कैसे हो गया, या फिर आसन्न कोण क्यों नहीं बना, तो वो सारी चीजें अभी आप लोगों को समझ में आने वाली है। ध्यान से बस इसको अच्छे से लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आप लोगों ने अगर लिख लिया होगा तो आगे समझो, इसी चीज को समझो। एक कोण में ले रहा हूं कोण, इस वाले इसमें एक कोण ले रहा हूं ए बी सी, कोण ए बी सी मतलब ये पूरा कोण ए बी सी। दूसरा कोण में लेता हूं, दूसरा कोण में ले रहा हूं कोण डी बी सी, डी बी या ए बी सी ले लिया, दूसरा कोण में ले लेता हूं आपका ए बी डी, ए बी। एक कोण मैंने ले लिया ए बी सी, एक कोण ले लिया ए बी डी। अब देखो ए बी सी किससे मिलके बना है, एक तो ए बी से मिलके बना हुआ है, बी सी से मिलके बना हुआ है। ए बी डी किससे मिलके बना है, ए बी डी एक तो ए बी से मिलके बना हुआ है और ए बी से और बी डी से मिलके बना हुआ है, ठीक है। दोनों के पास बी पॉइंट जो है वो कॉमन आ रहा है, अब बोलोगे ऐसा। तो देखो एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो तो उभयनिष्ठ शीर्ष आप लोगों को बी दिख रहा होगा, एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो उभयनिष्ठ भुजा ए भी दिख रही होगी, आप बोलोगे ये तो आसन्न कोण है, लेकिन ये आसन्न कोण नहीं है। क्यों? तीसरा पॉइंट पे आ जाओ, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा कौन कौन सी नहीं है, एक तो बीसी और एक बीसी और बीडी, ये दोनों उभयनिष्ठ है क्या? नहीं है। बीसी और बीडी उभयनिष्ठ नहीं है, बीसी और बीडी उभयनिष्ठ नहीं है। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ए बी। ए बी के कहां होना चाहिए, दोनों भुजाएं विपरीत हो रहे, यानी कि एक भुजा अगर इस साइड है तो दूसरी भुजा इस साइड होना चाहिए, लेकिन देखो ये उभयनिष्ठ भुजा आप लोगों की, लेकिन ये क्या हुई, उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर, ये भी इस साइड हो गई और ये भी इसी साइड हो गई, मतलब एक ही साइड हो गई। ये दोनों होनी कहां थी, अपोजिट साइड में। इसको देखो, इसमें कॉमन क्या था, बीडी, बीडी उभयनिष्ठ भुजा के जो उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी उभयनिष्ठ नहीं है, के विपरीत और हो, एक और इधर है और एक और इधर है, जबकि इसमें क्या हुआ, ए बी के एक ही और दोनों रेखाएं आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये उभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ की क्या, ये जो है वो आसन्न कोण नहीं है। इतना आया आप समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब समझ में आ गया, ये वाला आसन्न कोण और जबकि ये वाला आसन्न कोण नहीं है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं समझ में आया, इस वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, लेकिन ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आसन कोण है या नहीं है, ठीक। अब इसी में आगे चीज समझो। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें देखना, और इसके पहले वाला मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं यहां पे, ठीक है। ये ए बी सी और ये डी, इसके पहले जो बना था वही बनाया हमने, ये मान लो डी, ठीक है। अब देखो रेखिक युग्मक के कोण कौन से हो जाएंगे, वो आप लोग ध्यान से सुनना। अगर दो आसन्न कोण, दो आसन्न कोण, अब ये वाला अगर पॉइंट में मिटा दो, ये वाला पॉइंट मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया, ठीक है। दो आसन कोण, ये वाले आसन कोण है ए बी डी और सी बी डी, दोनों आपस में आसन कोण है, ए बी डी और सी बी डी कैसे कोण है, आसन कोण है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो देखो वीडियो को, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, लेकिन इसको समझो। ए बी डी और बी सी मतलब सी बी डी कैसे कोण हुए, आसन कोण हुए। जो उभयनिष्ठ भुजा थी उसके दोनों विपरीत और स्थित हुए, मतलब ये तो आसन कोण हुए। अगर जो अउभयनिष्ठ भुजा है, मतलब कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है, कौन कौन सी भुजाएं, ए बी और बी सी दोनों कॉमन है क्या, नहीं है। अगर ए बी और बी सी अगर दोनों कॉमन नहीं है, मतलब जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, मतलब जो कॉमन भुजा नहीं है, वो अगर एक सीधी रेखा बना दे, कैसी रेखा बना दे, सीधी रेखा बना दे, कैसी रेखा, सीधी रेखा बना दे, एक सरल रेखा बना दे, ए बी ये दोनों कॉमन नहीं है, तो ए बी और बी सी अगर एक जैसी एक सीधी सरल रेखा बना दे,
तो उन दोनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। कैसे समझना? समझना, ऋजु कोण पढ़ के आए हो, ऋजु कोण यही बताया था, ऋजु कोण इस पॉइंट से चालू इस पॉइंट पे खत्म, आधा कोण ऋजु कोण। तो देखो एबीसी, एबीसी यानी कि ये पूरा का पूरा कोण, ये वाला कोण, तो यही बात तो हुई, ये वाली बात और ये वाली बात सेम हुई, तो ऋजु कोण की माप 180 अंश। तो इसी प्रकार ए बी डी और सी बी डी का योग किसके बराबर आएगा, 180 अंश के। अगर ये एक सीधी रेखा बना रही है जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, मतलब जो कॉमन भुजा नहीं है, वो दोनों मिलके अगर एक सीधी रेखा बना रही है तो उनको अपन बोलते हैं रैखिक युग्म के कोण। मतलब ऐसे दो आसन्न कोण, ऐसे आसन्न कोण जिनकी उभयनिष्ठ जो भुजा नहीं है वो दोनों मिलके अगर एक सीधी रेखा बना दे तो क्या कहलाएंगे, वो हमारे रैखिक युग्म के कोण। तो ये हमारे जो कोण है वो कैसे कोण हो गए, रैखिक रैखिक युग्म के कोण, इनको क्या बोल देंगे हम, रैखिक युग्म के कोण। अब इसमें समझना, इसमें लिखा था मैंने कोण ए बी डी, दूसरा कोण मैंने मान लो लिया मैंने वही सी बी डी, ये तो ये दोनों आसन्न कोण है, आसन्न कोण क्योंकि उभयनिष्ठ एक सिर से उभयनिष्ठ भुजा BD आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो रहे, क्या ये कोण रैखिक युग्म के कोण कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ध्यान से समझना इसको, कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। आसन कोण तो कहला रहे, आसन कोण ये भी थे, लेकिन अपन ने इनको क्या नाम दिया, रैखिक युग्म के कोण नाम दे दिया। क्या इनको अपन रैखिक युग्म के कोण नाम दे सकते हैं, समझना इसको, ठीक है समझना ध्यान से। क्या बोला था मैंने, ऐसे आसन कोण जिसमें जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, कौन कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, एक तो ए बी और एक बी सी, ए बी और बी सी ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है। अगर जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है और वो दोनों मिलके अगर सीधी रेखा बनाए तो रैखिक युग्म के अपन उनको कोण बोल देंगे। क्या दोनों मिलके सीधी रेखा बना रही, क्या नहीं, क्योंकि ये वाली रेखा तो ऐसे आगे बढ़ रही है और ये वाली रेखा ऐसे आगे बढ़ रही है। क्या है कि सीधी सरल रेखा बना रही है दोनों मिलके, मतलब ए बी और बी सी मिलके सीधी, मतलब क्या ये पॉइंट एक ही रेखा पे आ रहे हैं, ये तीनों पॉइंट क्या एक ही रेखा पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, मतलब ये रैखिक युग्म के कोण नहीं है, ये क्या है आसन्न कोण है। ये भी थे आसन्न कोण, लेकिन इनको अपन ने कब रैखिक युग्म के कोण बोला, तभी बोला जब ये क्या मिलके बना रहे हैं, सीधी रेखा, जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो एक सीधी रेखा बना रहे, तभी हम उनको रैखिक युग्म के कोण बोल रहे हैं, अन्यथा हम उनको रैखिक युग्म के कोण नहीं बोल रहे। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दो, ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है ए बी और बी सी, अगर ये मिलके ए बी और बी सी मिलके अगर एक सीधी रेखा बना देते तो हम बोलते कि ऐसे कोण है ये रैखिक युग्म के कोण है, चाहे वो सीधी रेखा ऐसी बने चाहे वो सीधी रेखा ऐसी भी बन सकती है, रेखा है वो तो ये ऐसी बन सकती है, सीधी है। मान लीजिए अगर ये पॉइंट है, ये तुम्हारा मान लीजिए कहीं बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तीनों मिलके अगर एक ही रेखा पर आ जाए तो हम बोलेंगे रैखिक युग्म के कोण है, अन्यथा रैखिक युग्म के कोण नहीं। तो आप लोगों को आसन्न कोण कौन से होते हैं ये समझ में आ गया होगा, रैखिक युग्म के कोण कब बोलेंगे, उन आसन्न कोण को हम रैखिक युग्म के कोण कब बोलेंगे, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रैखिक युग्म का जो कोण बनेगा उन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 अंश के बता दिया, क्यों, क्योंकि एक अगर सीधी सरल रेखा है उस पर अगर इतना कोण बन रहा है, मतलब इस पॉइंट से चालू होकर दूसरे पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है, मतलब इसी रेखा से चालू हुआ और इसी रेखा पे आके अगर खत्म हो गया आधे पे, तो हम उनको क्या बोल देंगे, उन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, अगर ये पॉइंट से चालू हो गया यहाँ पे खत्म हो गया तो 180, और ये वाले पॉइंट से चालू हो गया वापिस उसी पॉइंट पे आके खत्म हो गया तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। आया इतना समझ में, इसको एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, लेकिन इस चीज को आप लोग समझ लो। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा को पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद आ जाएंगे तुम्हारे सीधे अपन लोग क्वेश्चन पे। एक पॉइंट और इसमें आप लोग समझ लो कि अगर दो कोणों का योग 180 अंश आ जाता है, मान लीजिए दो कोणों का योग अगर 180 अंश आ गया तो वो एक सीधी रेखा पे होगी। मान लीजिए दो कोणों का योग 180 अंश आ गया तो वो वाला जो कोण बनेगा दोनों कोणों से वो क्या होगा हमारा 180। इसका विपरीत भी ठीक उल्टा है, अगर दो कोण रैखिक युग्म के कोण है तो उनका योग भी कितना होगा 180। इसका विपरीत भी ठीक है, अगर दो कोणों का योग 180 आ गया इसका मतलब वो क्या है, एक सीधी सरल रेखा पर स्थित होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं एक PQ और एक RS, दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट रही है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु मान लीजिए O है, तो इनको बोलेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं।
अप्रतिच्छेद रेखाओं को हम समांतर रेखाएं भी बोलते हैं, ये समांतर चलती जा रही है। जैसे पी क्यू समांतर है आर एस के, इसका मतलब ये हुआ है कि पी क्यू जो है ना और आर एस जो है इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी, मतलब ये वाली दूरी हमेशा सेम रहेगी। क्या होंगी? हमेशा सेम रहेंगी। किसी भी पॉइंट पे देख लो इनकी लंबवत दूरी, यानी कि पी क्यू और आर एस के बीच की जो दूरी है वो हर पॉइंट पे सेम रहेगी। अगर ये सेम रहेगी तो ये एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं, एक दूसरे को क्या करेंगी, कभी भी काटेंगी नहीं। तो ये क्या होंगी हमारी अप्रतिच्छेदी रेखाएं, या फिर इसको हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब कि अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक पॉइंट पे, मान लीजिए ओ पॉइंट पर काट रही है, तो कोण ए ओ सी, कौन सा कोण, ए ओ सी। और इसी प्रकार जो कोण बना हुआ है कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इनको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष के अभिमुख, यानी कि इस शीर्ष के जस्ट सामने वाला ये कोण और इस कोण के सामने वाला ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एक कोण लेते हैं ए ओ डी, बराबर किसके हो जाएगा, ए ओ डी, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के। तो ये कैसे कोण होंगे आपस में, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि शीर्ष के अभिमुख कोण है। कब, जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तब उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक, लिख लो इतना। अगले जो पॉइंट लिखे हुए हैं, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है उसका अपन यहाँ पे एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जितना भी अभी तक अपन ने इस क्लास में पढ़ा है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे मान लो कि एक एक किरण है या एक ये किरण एक रेखा पर खड़ी है, ये एक रेखा है आर एस नाम की एक रेखा है। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये किरण है, ये वाली किरण, ये क्या है किरण, एक रेखा है आर एस, इस पर ये क्या है खड़ी है, इस प्रकार बने आसन्न कोण, एक तो ये वाला कोण, एक ये कोण और एक ये कोण, ये आपस में क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका योग और इसका योग मिला के कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। कैसे, इस पॉइंट से चालू हुआ, इस पॉइंट पे खत्म हुआ, देखो ये वाली रेखा है, ये वाली यहां से चालू हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो गया ये, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। और जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो वो क्या बनाते हैं, रेखीय युग्मक के कोण बनाते हैं। देखो अउभयनिष्ठ भुजा, मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, तो आर ओ और ओ एस दोनों उभयनिष्ठ नहीं है, इस वाले के लिए आरओ और ओएस उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि उभयनिष्ठ क्या है, ओपी, ओपी उभयनिष्ठ है, आरओ और ओएस उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये अगर एक रेखा बना रही है, एक सीधी रेखा बना रही है, इसका मतलब ये क्या होंगे, रेखीय युग्मक के कोण होंगे। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है, अभी बनने पर लेके अउभयनिष्ठ मतलब आरओ और ओएस उभयनिष्ठ नहीं है तो वह क्या बने, रेखा बना गई। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इतना अपन ने मतलब अभी तक जो पढ़ा है उसका ये क्विक रिवीजन है अपना। तो ये क्लास आप लोग एक बार और देखें, मतलब मैं यही सजेस्ट करता हूँ, इस क्लास को आप लोग एक बार या दो बार भी देख लोगे तब भी कोई बुराई नहीं है इस वीडियो को देखने में, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई, लगभग 25 से 30 मिनट की वीडियो हो गई होगी। तो वीडियो को अपन यहीं पे खत्म कर रहे हैं, इसमें अपन ने कंसेप्ट को पूरा पढ़ लिया 6.1 के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत लगेगी, क्या क्या चीजें अपने को काम आने वाली है, वो सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार अच्छे से देखो, समझ लो, कॉपी में नोट कर लो, उसको एक बार और पढ़ लो। इसके बाद अपन जो अगली वीडियो अपने आने वाली है, इसका मतलब सेकेंड पार्ट, उसमें 6.1 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, समझ में आए तो आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को कितना समझ में आया, क्या समझ में आया और किस पॉइंट पे आप लोगों को समझ में नहीं आया, वो भी आप कमेंट में आप लोग बता सकते हो। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी आप लोग एक बार कर लेना। बाकी खत्म करते हैं, अगली वीडियो जल्दी अपलोड होने वाली है अपनी।